अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तुर्की ज़ैद एक्सप्लोर। सो फ्रेंड जी ने जो मतलब विलेज अपना बसाया था वहाँ का ट्रिप, तो 700 ईयर्स ओल्ड भी है और वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस भी है। तो यहाँ से हमें लेनी है बस, मिनी बस। तो चलिए पता करते हैं कौन सी मिनी बस जाएगी वहाँ। सो फ्रेंड ये वाली बस जाएगी भी, तो मैं आ गया हूँ अंदर। चलिए पैसे देते हैं अभी पहले। तो जुमला किजी जा रहा हूँ और वहाँ पे हमें काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ओटोमन एम्पायर सुल्तान जो उस्मान गाजी हैं, उन्होंने खुद उस जगह को बसाया काई ट्रिप को। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। और वो वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस में भी आता है और देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल लिव राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। कितना टाइम लगता है पहुँचने में वो भी बताऊँगा। तो सो फ्रेंड ये चलने लगे, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है और उसके बाद कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। तो अभी टाइम देख लीजिए, 11:58 हो गए हैं। तो अब जितना भी टाइम लगेगा पहुंचने में वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं और अभी टाइम देखिए 12:38 हो गए हैं। तो मैं पहुंच गया हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं उस्मान का बसाया हुआ काय ट्रिप, उनका विलेज। तो चलिए दिखाता हूं मैं अब आपको। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं पहुंच चुका हूं उस्मान विलेज। वैसे इसका नाम है जुमला किजी और आप चाहें तो इसे नेट पर सर्च करें उस्मान विलेज के, देयर यू गोइंग टू फाइंड दिस विलेज। और आई थिंक मैं भी मिल जाऊँ आपको उसमें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो रिटर्न जाने के लिए वो है बस स्टॉप, वहाँ में वेट करना पड़ेगा और यहाँ से मतलब जो बस इस साइड से आती है वो यहाँ मिल जाएंगे हमें। और मैंने बोला था ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ देखिए टूरिस्ट भी बहुत हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि लोग अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं वो भी पैरट के साथ, तो हम चलते हैं विलेज के अंदर। रॉक को कोई मतलब चेंजेस नहीं करे गए हैं, तो बिल्कुल वैसी रॉक हैं। सो आइए फ्रेंड्स हम कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ कॉफ़ी पियेंगे, चलिए चलते हैं। सो हेयर वी गोइंग टू ड्रिंक आर कॉफ़ी। यहाँ कॉफ़ी का इंतज़ार करते हैं, बोल तो दिया मैंने कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स ये आ गई मेरी कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी। शरबत इच बारदाकता तादु çok güzel. Güzel. मैंने इच हार्ड। सो फ्रेंड्स कॉफ़ी तो पी ली है, 6 लीरा की कॉफ़ी मिली और अच्छा लगा पी के, और साथ में फ्री का वो भी मिल गया हमें शरबत। तो अभी चलते हैं ऊपर जल्दी से। तो फ्रेंड्स मतलब आज भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ वुडन की या फिर कुछ मर्ड की, तो ऐसी चीज़ें को ही बना रखा है। ज़्यादातर चीज़ तो वुड की देखने को मिल रही है हमें, और इन्होंने हर अपने मतलब जैसे प्रोडक्ट हैं उनका, जैसे किसी भी चीज़ पे इन्होंने अपने उस पर नाम लिख रखा है इस जगह का। और तो और मतलब यहाँ के रॉक उनके बीच में वुड है और वो भी उसी टाइम से है। तो सोचिए 700 ईयर्स पहले कैसा होगा, कुछ फिर उन्होंने अपने घर में कुछ डिफरेंट करा होगा, लेकिन इन्होंने अपनी गली में मतलब इसे इस रॉक पे डिफरेंट कुछ नहीं करा, चेंज ही नहीं करा इसको। अगर ये शहर में होता ना भी ऐसे इस्तांबुल में या फिर बुर्सा के ही मेन में, तो इस पर कब का मतलब क्या क्या चेंजेस हो चुके होते, लेकिन यहाँ इस चीज़ को ऐसे रख दिया। और देखिए आज हमें इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिली है, मतलब पहले लोग कैसे रहते थे तो वो चीज़ देखने को मिल गई आज हमें। सो माउंटेन पे देखिए कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है, वो देखिए मस्जिद।
तो ये है मस्जिद, ये देखिए फ्रेंड्स, आज भी इनके डोर जो हैं मतलब ऐसे वुड के, और लॉक भी इनका बहुत ओल्ड टाइम का है। तो फ्रेंड्स मैं फॉलो कर रहा हूँ इस वाटर को, ये देखिए। अबे ये वाटर कहीं जा तो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो चलिए इसको फॉलो करते हैं और फॉलो करके पता करते हैं जा कहाँ रहा है वाटर। सो फ्रेंड्स मैं तो वापस वहीं आ गया, मैं मतलब इधर से गया था मस्जिद वाले रास्ते से और ऊपर से घूम के वापस आ गया मैं इधर। सो आप समझ सकते हो ये विलेज ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे ओटोमन एम्पायर फर्स्ट सुल्तान ने बनाया है, मतलब अपने यहाँ पे काई कबीले आए, काई ट्रिप आई, यहीं रही, उसके बाद उनके आगे लोग आते रह गए, लेकिन वो लोग गए नहीं यहाँ से, यहीं रहे। उसके बाद 700 ईयर्स आफ्टर इतने सारे लोग आज भी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ देखिए आज कितना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये देखिए, और ये देखिए वो जो बॉर्डर का मैं पीछा कर रहा था ना, देखिए वो बॉर्डर कहाँ जा रहा है, यहाँ आके सीधा अंदर। सो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ मतलब इस साइड, मतलब दो रोड हैं, एक जाने का और एक आने का, तो मैं अभी आ गया हूँ इस साइड वाले पे। तो अब यहाँ से मैं आपको दिखाते हुए ले जाऊँगा लास्ट में। उस्मान गाजी का उस्मान विलेज, जुमाले किजिक, चाहे तो आप इसे उस्मान विलेज भी कह सकते हैं, यू कैन से बोथ ऑफ देम, बट आई प्रेफर उस्मान विलेज। ये था विलेज, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि आपको कैसा लगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।